गुड मॉर्निंग गाइस। और संडे है यार, खेलने जाना है तो उठ गया हूँ। 4:30 का टाइम हुआ है यार, और मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे है और मैं उठ गया और मेरे को अभी भी नींद आ रही है। मतलब नींद तो कई बार आती है, पर आज ऐसे मन कर रहा है कि सो जाऊं दोबारा से। मतलब 4:45 हो गई एग्जैक्टली, अभी 4:30 बजे मैं उठ गया था, टॉयलेट करके दोबारा लेट गया। तो अभी तो फिर लेट हो जाऊंगा यार अगर अभी भी नहीं उठा तो। और दही जमाई थी यार शाम को, पता नहीं जमी भी है या नहीं, देखता हूँ। काफी टाइम के बाद जमाई है, जम तो रही है यार, थोड़ी सी पतली लग रही है। फ्रिज में रख देता हूँ अभी इसको, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और निकल रहा हूँ यार, अभी 5:30 का टाइम हुआ है पूरे। और खिड़की खोल दी, मच्छर देखो कैसे घुस गए बिल्कुल। देखो दिन सा निकल गया है 5:30 बजे ही, तो लगभग ये मान लो कि 5:50 तक पहुंच जाऊंगा मैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको जो दिखाया था ना यार, कि जो ये CNG वाला इंडिकेटर वाला जो बटन है ये खराब हो गया था, बंद हो जाता है अपने आप ही। अब देखो अब अपने आप ही जल गया, कुछ किया नहीं मैंने। जबकि मैं घर से चला तो उस टाइम जैसे एक बार ऑन हुआ और फिर जैसे ही गाड़ी चली तो अपने आप बंद हो गया। पता नहीं क्या इसका तार हिल रहा है या क्या हो रहा है, अब देखता हूँ कितनी देर तक रहेगा ऐसे, या पता नहीं दोबारा गाड़ी चलेगी जब फिर अपने आप बंद हो जाएगा। वापस आते हुए क्या यार, ये तो अभी बंद हो गया देखो अपने आप ही गायब हो गया। मैं यहाँ रुका था केले लेने के लिए, मैं क्या 2 केले ले लूंगा, अकेले खा लूंगा, तो अभी इस पे ध्यान गया मेरा, ये तो अभी से बंद हो गई। इसका तार तोड़ी हिल रहा होगा मेरे को लग रहा है यार, बाकी तो दिखाना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा कुछ सीरियस मामला तो है नहीं, तो इसलिए मैं स्पेशल तो जा नहीं रहा। कभी उधर जाऊंगा करनाल की साइड तो देख लूंगा, तब दिखा लाऊंगा। अकेले भी पता नहीं भाई देंगे या नहीं देंगे, कह रहे हैं खत्म हो रहे हैं, देखती हूँ। एक लेडी बैठी थी यहाँ पे, वो गई हुई है देखने। कती का चले आए ये तो, इतनी देर तो। और 6 बज गए यार पहुंचते पहुंचते, और रास्ते में आंटी ने लेट करवा दिया, 10 मिनट खराब करवा दिए मेरे। और इतने कच्चे केले दिए, छिले भी नहीं, वो बड़ी मुश्किल से खाए हैं, बीच से ऐसे फाड़ फाड़ के तब छिले, ऊपर से तो छिल भी नहीं रहे थे। अभी घर पहुंचा हूँ यार, टाइम हो गया 10:20। आप सोच रहे होगे कि मैं चप्पल पहन के जा रहा था खेलने, लेकिन मैं चप्पल पहन के नहीं गया था यार, गया तो था मैं जूते पहन के, लेकिन मेरे जूते ना थोड़े खराब से हो रहे थे, तो मैं साथ में चप्पल लेके चला गया था आज वहीं खेल के, और जूते निकाल के वहीं कूड़े में डाल दिए थे मैंने, और अपनी चप्पल पहन के आ गया था। सर्दियों में ही ना मैं दूसरे जूते ले आया था, क्योंकि मेरे खराब से हो रहे थे, पर मैं काम चला रहा था तो नए जूते रखे ही थे, तो फिर मैं कहा तो इनको यार फेंक ही देता हूँ, तो इसलिए मैं साथ में चप्पल लेके चला गया था कि मैं इनको आज वहीं की वहीं फेंक के आऊंगा। घर ले आता हूँ यार, फिर जल्दी जल्दी मैं सोचता हूँ अगली बार चलो यार यही पहन लूँ, कहाँ नहीं निकाल लूंगा, पता नहीं कहाँ रखे होंगे डब्बे में, तो अब इसलिए मैं वहीं छोड़ा यार, ताकि अगली बार तो नहीं पहनूं। खराब हो रहे थे यार काफी, थक जाता हूँ यार खेल के आके, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है। रात को तो मेरे को सोते सोते ही 12:30 तो कम से कम बज ही जाते हैं, वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ, और फिर सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है, तब 5:15 बजे मैं घर से निकल पाता हूँ। तो इसलिए मैं कई बार तो यार आके बस हाथ मुंह धोके और खाना वाना खा के सो जाता हूँ, फिर उठ के ही नहाता हूँ। आज तो अभी मेरा खाना आया भी नहीं है, 12 बजे के आसपास आएगा, तो अभी तो 10:30 हुए हैं, नहा लेता हूँ तब तक। दही देखता हूँ यार मेरी कैसी जमी है, फ्रिज में रख के गया था सुबह, तो देखता हूँ अभी अगर सही नहीं जमी होगी तो क्या पता फिर लेके आना पड़े मेरे को कुछ लस्सी या दही, क्योंकि यार बिना लस्सी दही के तो नहीं खाई जाएंगी रोटी। टेस्टी जम रही है यार वैसे तो, बस थोड़ी सी पतली कह सकते हो, वो भी ज्यादा नहीं, पर सही है, अपना काम मस्त चलेगा यार। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको यार, एक कुरियर मंगवाया था मैंने, 1MG से मंगवाया है, टाटा 1MG से, मतलब मेडिसिन ही है, तो दिखाता हूँ आपको क्या है। और एक चीज और बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कैसी पैकिंग है यार, ये क्या डाला हुआ है इसमें, ये तो विटामिन डी की दवाई है यार, ये नोनू के लिए मैंने मंगवाई है,
ये देखो छोटी बोतल होती है, ये मैं आपको दिखाऊं, देखो ये चार बोतल हैं, देखो ये बहुत छोटी छोटी बोतल होती हैं, इसमें 1 चम्मच दवाई होती है, यानी 5 ml दवाई होती है इसमें, और ये एक बार में पिलानी होती है, यानी एक हफ्ते में एक पिलानी होती है। तो नॉर्मली तो चार पिलानी होती हैं, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो 8 से 12 हफ्ते पिलानी होती हैं हफ्ते में एक। तो मैं तो नॉर्मली पिला रहा हूँ, तो इसलिए चार की पैकिंग आती है, तो हफ्ते हफ्ते करके तो ये चार दे दूंगा 1 महीने के लिए। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो साल में एक बार यार कम से कम विटामिन डी का कोर्स जरूर देना चाहिए। और एक मैंने ये मंगवाया है यार, ये है सनस्क्रीन, MRP है 163, ये मेरे को पड़ा है 126 रुपये का। और इस बोतल पे जो रेट है पर बोतल 86 रुपये रेट है, ये मेरे को पर बोतल पड़ी है 67 की। तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ यार, पहले मैंने ये फार्मेसी पे देखा था, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रही है ना फार्मेसी की, तो ये तो मेरे को पड़ रहा था 112 रुपये का, इसमें मेरे को पड़ा है 126 रुपये का, यानी 14 रुपये मेरे बच रहे थे। और ये जो बोतल है ना, ये मेरे को पड़ रही थी 74 रुपये की एक, इसमें मेरे को पड़ी है 268 रुपये की चार बोतल, यानी 67 की एक। तो यानी चार बोतल में मेरे मान लो 7 चौक 28, 28 रुपये बच गए, इसमें मेरे 14 रुपये एक्स्ट्रा लगे, तो यानी ओवरऑल मेरे को 14 रुपये का फायदा ही हुआ है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, फार्मेसी पे अगर 200 रुपये से कम का आपका ऑर्डर है तो आपके 99 रुपये लगते हैं डिलीवरी चार्जेस, और अगर 200 रुपये से ऊपर का ऑर्डर है और 500 रुपये से कम का ऑर्डर है तो डिलीवरी चार्जेस थे 49। 500 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पे डिलीवरी फ्री थी, लेकिन टाटा 1mg पे मेरे को टोटली फ्री डिलीवरी मिल रही थी यार, चाहे मैं बेशक अकेला ये भी मंगवा रहा था ना तो भी मेरे को फ्री डिलीवरी मिल रही थी, लेकिन साथ में जैसे मेरे को ये भी मंगवाना था, तो टोटल मिला के मेरा ऑर्डर हुआ था 394 का, लेकिन मेरे डिलीवरी का एक भी पैसा नहीं लगा, वहां पे मेरे 49 लग रहे थे। तो 14 रुपये ये 49, ये टोटल मिला के मेरे 63 रुपये बचे हैं। तो हालांकि देखो यार एडवर्टीजमेंट इतनी चल रही है फार्मेसी की, 20% ऑफ, 20% कैशबैक, ये वो, तो लेकिन वैसे अगर ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे को 1mg से मंगवाने में फायदा हुआ। तो इसलिए अगर आपको भी कभी मेडिसिन वगैरह मंगवानी है तो आप दूसरी वेबसाइट्स पे या एप्लीकेशंस पे जरूर चेक कर लेना कि कहाँ से ठीक पड़ रहा है। खाने का ना यार टिफिन मंगवा लेता हूँ मैं, ये टिफिन दे के गए हैं अभी, तो जब भी संतोष घर चली जाती है ना तो अब टिफिन मंगवा लेता हूँ। ये हो गया यार अपना खाना तैयार, ये तो रोटी है और ये दाल आई है टिफिन में, और ये खीरे टिफिन में आए थे, ये मैंने अपना काटा है, ये देसी खीरा है, ये दूसरे वाले हैं, और ये होगी दही साथ में। डिनर आ चुका है यार अपना, और दोपहर को फिर मैं सो गया था, शाम को IPL देखा और थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करी, अभी भी IPL ही दिख रहा था, और अभी खाना खाता हूँ यार, भूख लगी है। आज की वीडियो को करते हैं यार यहीं पे एंड, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, गुड नाइट।